भारत को अब ये सीरियसली सोचना पड़ेगा कि क्या हमें अमेरिका की सैंक्शंस की कॉल को फॉलो करना है या फिर नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान को F-16 बेचकर हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकता है तो फिर भारत अमेरिका के प्रतिबंधों की कॉल को क्यों माने। अब ये डिबेट और भी तेज हो जाएगी क्योंकि रशिया के साथ S-400 की डील को लेकर तो अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध नहीं थोपे थे, लेकिन ईरान को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई है। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील तोड़कर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, उसके बाद भी भारत काफी समय तक ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करते रहा था। सालाना 10 से 12 बिलियन डॉलर्स भारत की तरफ से ईरान को जाया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उम्मीद थी कि जो बाइडेन साल 2015 वाली न्यूक्लियर डील को वापस से लागू कर देंगे, क्योंकि वो डील डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कार्यकाल में साइन हुई थी। अब भारत को दिक्कत क्या थी कि भारत ने आखिरकार अमेरिका की सैंक्शंस की कॉल को फॉलो करना शुरू कर दिया था और ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक से बंद कर दिया था। भारत समेत तमाम क्रूड ऑयल परचेज करने वाले देशों को उम्मीद थी कि जो बाइडेन के आने के बाद ये न्यूक्लियर डील फिर से रीइंस्टेट हो जाएगी, लेकिन जो बाइडेन सबकी उम्मीदों के ऊपर फेल हुए हैं और उन्होंने ये काम भी ढंग से नहीं किया। अमेरिका ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील के ऊपर आज भी सहमति नहीं बना पाया है, जबकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। अमेरिका अभी भी सभी देशों को ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए रोक रहा है ताकि ईरान उसकी शर्तों के ऊपर न्यूक्लियर डील साइन कर ले। ईरान के ऊपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब भारत समेत कुछ देशों के ऊपर फ्रेश प्रतिबंध थोपने की घोषणा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ईरान इंटरनेशनल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए अमेरिका ने भारत समेत UAE और चाइना की कई कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी है कि भारत, चाइना और UAE की कुछ कंपनीज ईरान के साथ पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रेड कर रही थी, यानी ईरान से पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही थी, जिससे ईरान की कई 100 मिलियन डॉलर्स की कमाई हो रही थी। अमेरिका ने कहा है कि ये ट्रेड अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए अमेरिका इन सभी कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ये फ्रंट कंपनीज हांगकांग, इंडिया और UAE से ऑपरेट कर रही थी और ईरान के पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंशियल ट्रांसफर्स और शिपिंग को फैसिलिटेट कर रही थी, अब इनकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर रोक लग गई है। अमेरिका ने बोला है कि ईरान की ट्राई लाइंस पेट्रोकेमिकल को लिमिटेड और पर्शियन गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कमर्शियल को, इन दोनों को अमेरिका ने सैंक्शन लिस्ट में डाला है और इन्हीं के साथ ट्रेड करने पर ये सैंक्शंस थोपे गए हैं। अमेरिका ने कहा है कि जब तक ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता है, तब तक अमेरिका ईरान के साथ किसी को भी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स ट्रेड करने नहीं देगा। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस रिलीज में भारत की कंपनी त्रि बालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर आरोप लगाया कि ये ईरान से कई मिलियन डॉलर्स के पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स परचेज करके चाइना को शिपमेंट बेच रही थी, इसलिए इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। अमेरिका ने भारत समेत इन सभी देशों से कहा है कि इनकी सरकारें सुनिश्चित करें कि अमेरिका द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, वरना अमेरिका और भी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाएगा। ईरान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट देश है ये तो हम सबको पता है। न सिर्फ चाबहार पोर्ट या फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफगानिस्तान के एक्सेस के लिए, बल्कि ईरान के साथ ट्रेड करने में भारत को कई सारे बेनिफिट्स हुआ करते थे। भारत ईरान के साथ बेहद खुशी खुशी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया करता था, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ही हमें ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने में था। बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर देशों के मुकाबले ईरान भारत से बेहद नजदीक है, ऐसे में ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करने के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भारत को काफी कम पड़ती थी। इसी के साथ साथ ईरान अपने क्रूड ऑयल के ऊपर भारत को डिस्काउंट भी ऑफर किया करता था। पेमेंट के लिए ईरान ने भारत को 60 डेज ऑफ क्रेडिट का ऑफर दिया हुआ था, यानी भारत 60 दिन तक पेमेंट कर सकता था। इसके साथ ही सबसे मेजर बेनिफिट ये था कि भारत क्रूड ऑयल के लिए ईरान को डॉलर्स या फिर यूरोस के अलावा रुपीस में भी पेमेंट किया करता था, जो कि बाकी क्रूड ऑयल सप्लायर जैसे कि इराक और सऊदी अरब ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। ऐसे में क्या अमेरिका और पाकिस्तान की F-16 की डील के बाद भारत को इतने सारे बेनिफिट्स छोड़कर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना दोबारा शुरू करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।